जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें और आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111111 में। आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए हमने 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ करिए और देखिए कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर किसी वजह से जो पाइल आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं होता तो आप दूसरा पाइल भी सुन सकते हैं, क्योंकि डियर ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, अभी करेंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, चलिए बताते हैं। वो अभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना मुझे लेकर, आई प्रॉमिस इन सारी गलत फहमियों को मैं एक दिन ज़रूर क्लियर करूँगा, एक दिन ज़रूर क्लियर करूँगी, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं फेक नहीं हूँ। मैं ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति है, इस वजह से अभी आपके रिश्ते में कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा है। आपने जिनके लिए चूज़ किया है, जिनके बारे में सोचकर चूज़ किया है, उनका और आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, वो आपके आसपास नहीं रहते, काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अभी आप दोनों के दरमियान किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी ख़त्म हो गई है और रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। शायद इनकी लाइफ में कोई 2 ऑप्शन है तो ये उनमें से किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इनकी आँखों में आंसू हैं, इनकी आँखों में आंसू हैं और ये कहना चाहते हैं कि इन आंसुओं की वजह सिर्फ आप हो। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही मेरा आज हो और आप ही मेरा कल हो, आपके सिवा कभी कोई मेरी लाइफ में नहीं आ सकता, ट्रस्ट मी, जो हो आप ही हो, मैं आपके अलावा कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती या फिर सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि किसी ने मेरे बारे में तुमसे क्या कहा है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, लेकिन एक बार सुकून के साथ सोचो, एक बार हमारे रिश्ते के बारे में सोचो। हमारा रिश्ता ईश्वर ने जोड़ा है, हमें ईश्वर ने मिलाया है, हम सोलमेट्स हैं, हमारा बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। ये छोटी मोटी गलत फहमियों की वजह से इस रिश्ते को मत तोड़ो, ये कहना चाहते हैं। और पता है ये बहुत जल्द आपके पास आएंगे, बहुत जल्द, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये अभी इस टाइम पर डिवाइन से प्रेयर भी कर रहे हैं और हमें यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि शायद इनके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, किसी की तबीयत ख़राब है, हो सकता है कि इनकी ग्रैंड मदर हो, इनकी मदर हो, इनका कोई रिलेटिव हो जिनकी तबीयत ख़राब है, तो अभी ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं। तो डियर, एक बात तो सच है कि ये फेक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव से कार्ड्स आए हुए हैं, बहुत पॉजिटिव से, और वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। उनकी जो वर्तमान भावनाएं हैं ना, वो दिन रात सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। वो कहते हैं अगर आप हो तो मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत खूबसूरत होगी, और अगर आप नहीं हो ना तो मुझे ज़िंदगी की कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना मिल जाए, पर वो सारी खुशियाँ मेरे लिए अधूरी ही होंगी। आपके होने से मेरी लाइफ कंप्लीट होती है और आपके ना होने से मैं खुद भी इनकम्प्लीट हो जाता हूँ, मैं खुद भी इनकम्प्लीट हो जाती हूँ। ये अभी किसी कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, लेकिन बहुत ही जल्द ये आपके लिए एक्शन लेंगे। अगर आप दूर रहते हैं, हमने कहा लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर आप दूर रहते हैं तो ये जल्द से जल्द आपके पास आने की कोशिश करेंगे। इनकी लाइफ में जो 2 ऑप्शंस हैं ना, उसमें से ये आपको ही चूज़ करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
अभी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं ये कि बस ये हो जाए, उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर हमें रिलीजन इशू बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, इंटरकास्ट इशू बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, ये आपके साथ एक अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इन्हें पता है कि इतनी आसानी से तो मानने वाले हैं नहीं हैं, और ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत में। तो ये किसी चीज़ पे अटके हुए हैं, किसी एक चीज़ पे फंसे हुए हैं। जैसे ही इन्हें उधर से क्लियरिटी मिलती है, 100% ये आपके लिए एक्शन लेंगे। इनकी बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं ये आपके लिए। और पता है, आपकी जो यादें हैं ना, आपकी जो बातें हैं, वो सारी कुछ इन्हें बहुत याद आ रही हैं। इनके आंसू नहीं थम रहे हैं, ये समझ लीजिए। ये बार बार वो सारी चीज़ें सोच कर रो रहे हैं, इन्हें बार बार आपकी याद आ रही है, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ सब कुछ सही कर दीजिए, कोई मिरेकल कर दीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए। और पता है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आज भी आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मैं आज भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। माना कि हमारे रिश्ते में बहुत सारे लोग इंटरफेयर करने वाले हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। बस ट्रस्ट मी, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और सही समय आने पर मैं तुम्हारे लिए एक्शन ज़रूर लूँगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो। इनकी जो फीलिंग है, चलिए एक दो लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। मैं दुनिया भुला दूँगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना, मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं हर गम उठा लूँगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूँगा तेरी चाहत में। तो ये फीलिंग्स हैं इनकी कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं हर गम उठा लूँगा तेरी चाहत में। ये समझ लीजिए, ये कोई भी हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्योर कनेक्शन है। जैसे कि होता है ना, एक तरीके का स्वार्थ, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब के लिए रिश्ता रखना, वैसा इंसान नहीं है ये वैसा कनेक्शन नहीं है। ये स्पिरिचुअल टाइप का कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है, और ये आपके लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन आज सच में ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रो रहे हैं। इनकी अगर आंखों में आंसू हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। हमें ऐसा लगता है कि आप शायद थोड़ा सा रूड हो रहे हैं, आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं इन्हें। इनकी गलती हो भी सकती है, लेकिन आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप इन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, इस वजह से इन्हें बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खल रही हैं, बहुत ज़्यादा दर्द दे रही हैं, समझ रहे हैं। तो डियर, आपके पार्टनर ये जो भी हैं, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, तो आपके बारे में यही सोच रहे हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है? देखिए, इधर दो तरह की कंडीशन है, एक तो बहुत पॉजिटिव है और एक थोड़ी सी नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है, वो भी बहुत पॉजिटिव है। हमें ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने तो इस रीडिंग को अपने एक्स के चूज़ किया है, और आप में से कुछ लोगों ने इस रीडिंग को अपने क्रश के लिए या फिर अपने करेंट पार्टनर के लिए चूज़ किया है। चलिए, सबसे पहले हम उनके बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने
क्रश या फिर अपने करंट पार्टनर के लिए चूज किया है, जिनके साथ उनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वो अभी सोच रहे हैं कि हमारा जो कनेक्शन है ना, कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग कनेक्शन है। जैसे कि आप उन्हें कितना अनकंडीशनल लव देते हैं, आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और आप कितने खूबसूरत हैं। पता है, वो सोचते हैं कि उनका मूड कितना भी ख़राब हो, वो कितना भी गुस्सा हो, कितना भी, लेकिन आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, आप जैसे कि एक हीलर हैं। हीलर किसी को हील करते हैं ना, उसे पॉजिटिविटी देते हैं, आप ऐसे हैं। आप उनके फेस पर स्माइल ले ही आते हैं। जब भी आप उनसे बात करते हैं ना, तो वो अपनी सारी थकान, अपना सारा गुस्सा, अपना सारा दर्द सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। उनका मन होता है आपसे मिलने का, और पता है, आपकी गोद में सर रखकर आपसे बातें करने का। वो चाहते हैं कि आपके हाथ उनके बालों पे हों, उनके सर पर हों, आपकी उंगलियां उनके बालों को सहलाती रहें और वो आपके गोद में सर रखकर आपसे बात करते रहें। उनका ऐसा मन होता है और उन्हें ये लगता है कि हम दोनों यूं ही तो नहीं मिले हैं, हम दोनों बेवजह तो नहीं मिले हैं, हमें ईश्वर ने मिलाया है। और ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होगा, कोई ना कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा। हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू भी हो सकता है, कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी हो सकता है। इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। समझ रहे हैं? तो ये समझ लीजिए कि वाकई ये बिल्कुल सही सोचते हैं और वाकई आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। पता है, ये कहते हैं कि मुझे सपने देखना बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि उन सपनों में आप जो आते हो, क्योंकि मुझे आपको देखना बहुत पसंद है। ये आपको उस भाव से नहीं देखते, लाइक एक अट्रैक्शन के भाव से, एक गलत भाव से, होता है ना फिजिकल लेवल पर रिलेशन बनाना, उस भाव से नहीं। जैसे होता है ना कि किसी के छूने से, किसी के बात करने से इंसान को कितनी पॉजिटिविटी फील होती है, तो आपको देखकर, आपसे बात करके इन्हें बहुत सुकून मिलता है, जैसे कि इनकी हर समस्या का समाधान आपके पास होता है। इस वजह से ये आपको हर पल देखना चाहते हैं, हर पल, और ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन शायद अभी ये फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, इन्हें यही लगता है कि कहाँ वो कहाँ मैं, थोड़ा सा मिसमैच है। लेकिन ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको दिल की गहराइयों से चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब आप स्माइल करते हो ना, तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। ये कहते हैं कि आपकी स्माइल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अगर उस स्माइल की वजह मैं बनूँ ना, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमेशा सोचते हैं, इनके अंदर एक डर रहता है कि कहीं किसी और की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब ना हो जाए। हो सकता है कि इनका कोई ऐसा पास्ट हो जिसे लेकर ये काफ़ी वरी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि अगर इनके पास्ट के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता चल गई, किसी ने बता दिया, आप किसी और की बातों में आ गए, इनसे दूर चले गए, तो क्या होगा, इनका कैसे रहेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि जब आप इनसे बात करते हो या फिर आप इनके साथ होते हो ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, जैसे कि घड़ी बहुत फास्ट चलती है। और पता है, आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत ही ज़्यादा। तो डियर, आपके पार्टनर आपके बारे में अभी यही सोच रहे हैं, अपने दोस्तों से वो यही सारी बातें करते हैं कि वो ना स्पेशल है, बहुत अलग है, आज तक उसके जैसा इंसान ही नहीं दिखा। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा। आपका तन भी खूबसूरत है, आपका मन भी खूबसूरत है और आपकी आत्मा भी खूबसूरत है। ईश्वर ने हर तरीके से आपको बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर बनाया है, और आपके जो विचार हैं ना, वो आपकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन जिन्होंने ये रीडिंग अपने एक्स के लिए चूज़ की है, तो चलिए उनके लिए बता देते हैं। डियर, आप दोनों के दरमियान सेपरेशन तो चल ही रहा है, जैसे कि बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा। उन्हें लग रहा है मैं क्या करूँ,
मैं कैसे सब कुछ बैलेंस करूं? उन्होंने अगर किसी और की बातों में आकर कुछ भी आपसे उल्टा सीधा बोला है ना, कोई भी गलत वर्ड यूज़ किया है आपके लिए, तो उसका उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जैसे कि दिल का टुकड़ा कुछ बहुत अंदर से उनकी ज़िंदगी से दूर चला गया है। एक होता है ना कि कभी कभी बिना आवाज़ के कुछ टूट जाता है। हर लम्हा हर मंज़र गुजर जाता है, हर लम्हा हर मंज़र गुजर जाता है, जब कोई अपना बेगाना नज़र आता है, जब कोई अपना बेगाना नज़र आता है। यूँ तो आवाज़ आती है हर शीशे के टूटने पर, यूँ तो आवाज़ आती है हर शीशे के टूटने पर, लेकिन कभी कभी बिना आवाज़ के सब कुछ टूट जाता है। ये हुआ है इनके साथ। इन्हें ऐसा लगता है कि किसी के साथ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, कोई इनकी जान था, ये किसी की जान थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो सब कुछ टूट गया है, वो सब कुछ बिखर गया है। तो ये अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट कर रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, और ये रिकवरी चाहते हैं, ये इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और जो इनका अटैचमेंट है ना, जिनकी वजह से मतलब कि ये सब कुछ हुआ है, उनको अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं। ईश्वर से कह रहे हैं ये उनके अपने ही क्यों ना हो। अगर आप मैरिड हैं ना और आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, उन्होंने अपनी फैमिली वालों की बातों में आकर आपके साथ गलत बिहेव किया है, आपसे दूरियां बढ़ाई हैं, तो अभी उन्हें उस बात का गिल्ट है। उन्हें एहसास हो गया है कि आपके अलावा उनका अपना कोई भी नहीं है, सबके सब स्वार्थी हैं, सबके सब सेल्फिश हैं। और इसी वजह से उनका जो नेगेटिव अटैचमेंट है ना लोगों से, उस अटैचमेंट को बहुत जल्द रिलीज़ करेंगे, बहुत जल्द, और अभी कर भी रहे हैं। जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, उन सभी को वो अपनी ज़िंदगी से आउट कर रहे हैं, और वो ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए, प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। और अगर आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए, आप दोनों के दरमियान सब कुछ बहुत जल्द ठीक होगा। ट्रस्ट मी, आप दोनों के दरमियान सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा, क्योंकि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। जितना आप उनसे प्यार करते हैं ना, उतना ही वो भी प्यार करते हैं। अभी पता है, अभी वो रो रहे हैं, अभी उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही है। इनका एक मैसेज है कि मुझे आपका साथ ज़िंदगी भरनी चाहिए, मुझे आपका साथ ज़िंदगी भरनी चाहिए, बल्कि ज़िंदगी ही उतनी चाहिए जितना आपका साथ हो। जब तक आप साथ रहो ना, सिर्फ उतनी ही ज़िंदगी चाहिए। कि किसी फ्रेंड्स ने आपके बारे में बता रहे हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मेरी भी कुछ गलतियाँ थी, ये सारी बातें वो आपके बारे में बोल रहे हैं। इनकी तरफ से इनकी जो एनर्जी है, उसके हिसाब से हम आपको दो लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं। वक्त के पास लतीफे हैं, मरहम भी है, क्या करूं कि मेरे दिल में तेरा गम भी है। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे, जागते एक उम्र कटी हो जैसे, मेरी फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, अब कोई आस ना उम्मीद ना बची हो जैसे, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। तो डियर,
ये है ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की, और अभी ये आपके बारे में यही सब कुछ सोच रहे हैं। इसमें दो कंडीशन थी और दोनों कंडीशन के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111 में। तो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 3 चूज किया है। इधर भी दो तरह की कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिससे अभी आपकी हाल फिलहाल दोस्ती हुई है, कोई न्यू कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग, और आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिसके साथ आप टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। आप कहते हैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकते, फिर कुछ दिन बाद कहते हैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकते, मतलब कि लड़ो मरो कटो लेकिन दूर मत जाओ, ऐसा रिश्ता है। पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिश्ता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात उनकी करेंगे जो किसी न्यू कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। डियर, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? उन्हें लगता है कि आप कितने नॉलेजबल हो और आप कितने खूबसूरत हो। उन्हें लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ ना तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो अपने करियर में एक मुकाम हासिल कर लेंगे, जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस पा लेंगे। उन्होंने शायद ये डायलॉग बहुत ज़्यादा सुन रखा है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, किसी न किसी का हाथ होता है। तो उन्हें लगता है कि मेरी सफलता के पीछे इसका हाथ होगा। अगर ये मुझे समझ ले और अगर ये मेरे प्रपोजल को, ये मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले, और अगर इससे मेरी शादी हो जाती है तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। लेकिन डियर, ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े लड़ाकू टाइप के हैं, बात बात पर डीमोटिवेट हो जाने वाले हैं, है ना, बात बात पर डीमोटिवेट हो जाते हैं, अब क्या होगा अब क्या होगा, बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, इस टाइप का नेचर है इनका। कमेंट करिए आप लोग कितने लोग किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनसे अभी हाल फिलहाल आपकी फ्रेंडशिप हुई हो, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू हुई हो या फिर कहीं से भी कैसे भी आप दोनों की दोस्ती हुई है, और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं। ये समझ लीजिए कि उन्हें आदत हो गई है आपसे बात करने की। उन्हें कभी कभी लगता है कि क्या ये वाकई प्यार है या फिर सिर्फ दोस्ती है। उनका यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आया है, वो ये है कि आदत सी हो गई है तुम्हें हर पल सोचने की, आदत सी हो गई है तुम्हें हर पल सोचने की। अब मैं इसे पागलपन कहूँ या फिर प्यार, मुझे पता नहीं है, समझ रहे हैं। और इन्हें लगता है कि अगर आप एक बार इनके हो जाओ तो पूरी दुनिया इनकी हो जाएगी। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इन्हें यही लगता है कि जैसा मैंने कभी सोचा था ना कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, ये बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही है। आपसे बात कर कर इन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि आप इनके फैमिली मेम्बर हो और ये आपको बहुत पहले से जानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं इनके अंदर आपको लेकर। तो डियर, कुछ दिनों बाद जल्द ही आपको प्रपोज कर ही देंगे, इनसे रहा नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए। बस जब भी आप दोनों मैसेज के थ्रू बात करते हैं ना, चैट्स करते हैं, तो इन्हें लगता है कि जब भी आपका स्लो रिप्लाई जाता होगा तो इन्हें लगता है कि कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहे। इन्हें ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा होता है, हमने बताया ना कि काफ़ी लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, इन्हें बात बात पर गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और इनकी जो एनर्जी है ना, वो काफ़ी स्लो है। हो सकता है कि अपने करियर में अभी सफलता हासिल ना कर पाए हों, इन्हें लगता है कि आप इनका लक हो। तो डियर, ये है फीलिंग्स इनकी जिन्होंने किसी न्यू पर्सन के लिए
ये पाइल नंबर 3 चूज किया है। अब हम बताते हैं टॉम एंड जेरी के बारे में। देखो देखो जी, आप लोगों का तो काम ही लड़ना है। आप दोनों लड़ोगे फिर एक हो जाओगे 4 दिन बाद, क्योंकि कनेक्शन ही ऐसा है, कनेक्शन ही ऐसा है। और अभी भी दूसरों की वजह से, शायद फैमिली इशू की वजह से दूरियां बढ़ गई हैं, और आपने स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, जो जैसा होगा वो देखा जाएगा। लड़ लेते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना, क्योंकि बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है आप दोनों का। अभी ये गुस्सा है ना, इस वजह से आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। गलत क्या सोच रहे हैं, एक तरीके से होता है ना कि इमोशनली ब्लैकमेल करना। हो सकता है कि ये कुछ सैड से स्टेटस लगा रहे होंगे, अगर आप उन्हें देख नहीं रहे हैं तो इन्हें ये लग रहा है लो जी अब मेरे स्टेटस देखने का भी इनके पास टाइम नहीं है। थोड़ा सा शक्की टाइप के हैं, गुस्से वाले हैं, इस तरह की एनर्जी है इनकी। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, उसके बाद है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, उसके बाद है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, उसके बाद है एरिस लियो सजिटेरियस। सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये कहते हैं कि जब तुम साथ रहते हो तो मैं भले लड़ाई करूँ, कितनी भी लड़ाई करूँ, लेकिन जैसे ही तुम दूर होते हो ना, जैसे कि कुछ कुछ निकल गया हो मेरी शरीर से, जैसे कोई जान चली गई हो मेरी, जैसे मैं अधूरा अधूरा सा खुद को महसूस करने लगता हूँ, अधूरी अधूरी सी खुद को महसूस करने लगती हूँ, जैसे कि मेरी पावर चली गई हो, मेरी एनर्जी चली गई हो। और जब आप साथ होते हो तो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हर बात बात पे लड़ाई होती है। हम दोनों ही कम नहीं हैं, लेकिन इतना तो है कि हम दोनों में प्यार बहुत है। अभी ये कह रहे हैं कि जिसे कभी डर ही नहीं था मुझे खोने का, जिसे कभी डर ही नहीं था मुझे खोने का, अब उसे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे ना होने का। ये ब्लेम कर रहे हैं आपको। क्या है ना कि इनकी दोहरी बातें होती हैं, और इनकी दोहरी बातों में आप परेशान हो जाते हैं, कभी कहते कुछ है करते कुछ हैं, इस वजह से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप भी कभी कभी चुप हो जाते हैं कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो अब तुम, मतलब कि कनेक्शन बहुत अच्छा है, बस लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि फैमिली का बर्डन हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारियाँ हों, जिनकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी लगता है कि शायद उनकी फैमिली इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है, इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरते भी हैं कि वो क्या करें। अगर आपको चूज़ करेंगे तो परिवार छूट जाएगा, लेकिन वो आपके बिना रह भी नहीं सकते। पर कुछ भी हो जाए, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 1010 दिख रहा है ना, कितने लोगों को दिख रहा है। हाँ, वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अभी लड़ाई झगड़ा हो रखा है, कोई बात नहीं, फैमिली की वजह से हो सकता है कि वो बात ना कर रहे हों, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, किसी जिम्मेदारी की वजह से थोड़ी दूरियां बढ़ गई हों, लेकिन बहुत जल्द वो सारी चीज़ों को तोड़कर फिर से आपसे बात करना शुरू करेंगे। किसी ने उन्हें कसम भी दे रखी है, कोई उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल भी करना चाहता है, समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है उनके बारे में, वो जल्द ही आपसे बात करेंगे। उनका थोड़ा नेचर है ऐसा, उसे आपको समझना होगा। और थोड़ा सा लापरवाह टाइप के हैं, लेकिन आपसे प्यार करते हैं, अभी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनके ऊपर हमने बताया ना, बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है कि इसके बारे में भी सोचना है, उसके बारे में भी सोचना है, इस तरह की चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और इसी गुस्से में ये आपको पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। गुस्से में कुछ भी निकल जाता है इंसान के मुंह से, पर ऐसा नहीं कि वहाँ पर प्यार नहीं होता, यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा है। अब दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। गुस्से में आप दोनों एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपके पार्टनर को अगर आपके सामने कोई और कुछ कहे तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होता। सेम यही चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हैं, वो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, लेकिन अगर किसी और ने बोल दिया तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, चलिए इनकी फीलिंग्स को देखते हुए एक सॉन्ग सुना देते हैं। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे,
तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तो डियर, ये जब तक जिएंगे आपसे मोहब्बत करेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपको उल्टा सीधा भी बोलेंगे, सब कुछ, बहुत झगड़े भी करेंगे। अगर आप प्यार आपसे करते हैं तो झगड़े क्या पड़ोसी से करने जाएंगे, झगड़े भी आपसे ही करेंगे। तो प्लीज़ अपने रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बना कर रखिए। छोटी छोटी बातों की वजह से इतनी लंबी दूरियां मत बढ़ाइए कि इंसान को आपके बिना रहने की आदत हो जाए, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, कभी भी नहीं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।